मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंद सिंदूर विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकांतं हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा आज से लगभग 1900 वर्ष पहले रचित आप्तमीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है। आप्तमीमांसा, आप्त का मतलब है प्रामाणिक वक्ता, सत्य वक्ता। आप्त का मतलब है, अगर अंग्रेजी भाषा में कहो तो ऑथेंटिक पर्सन। जैसे अपन कोई भी बात हो, किसी से रास्ता पूछना हो तो किससे पूछते हैं, जो ऑथेंटिक हो। किसी से भी नहीं पूछ सकते और न किसी से जान सकते। हर काम के लिए कोई अथॉरिटी होती है। सामान भी खरीदते हैं तो ऑथराइज्ड डीलर चाहिए उसका, लोकल माल नहीं। वो कंपनी की चीज़ हमको सही मिल जाए, उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए हम ऑथराइज्ड डीलर के पास में जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप्त कौन है? आप्त का मतलब है सत्य वक्ता कौन है, सच्चा देव कौन है, किसे माना जाए। और ये नाम सार्वजनिक नाम है आप्त। उन्होंने अभी पहली बार में ऐसा नहीं कहा कि अरिहंत कौन है। समझाना स्वरूप अरिहंत का ही है, लेकिन अरिहंत नाम नहीं लिया, क्योंकि सबके साथ मिलकर एक मंच पर बात कर रहे हैं। तो भैया कौन सत्य वक्ता है, कौन अधिकृत है, कौन प्रामाणिक है? और इस विषय को लेकर के उन्होंने और जो इसमें बातें छुपी हुई है वो सब बहुत मार्मिक है, बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए हम सब इसका स्वाध्याय थोड़ा कर रहे हैं। हमने सुबह जो बातें पढ़ी और जहाँ तक हम पहुँच गए वो यहाँ तक पहुँच गए कि हे भगवान, आप बाह्य अतिशयों के कारण पूज्य नहीं हो। आपके पास समोसरण है, आप आकाश में गमन करते हो, ये कोई महानता के लक्षण। इनके कारण कोई व्यक्ति यदि महान माना जाए तो बहुत दोष आते हैं। आकाश में उड़ने मात्र से कोई महान नहीं होता। ऐसे ही शरीर सुंदर है, कामदेव जैसा है, निरोगी है, स्वस्थ है, चमकता है, नाना प्रकार की और क्वालिटी है, तो इस वजह से भी ये तो पुद्गल का स्वरूप है। इसमें भी कोई महानता की, ये पुद्गल की लीला है, इसमें क्या है? और आप एक व्यवस्थित तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हो, एक बढ़िया संप्रदाय चला रहे हो,
तो लेकिन इसलिए भी आप मेरे लिए महान नहीं हो। तीर्थ के चलाने वाले भी लोक में बहुत हैं, सभी अपने अपने हिसाब से तीर्थों का प्रवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उनमें परस्पर विरोध है। यदि सभी सच्चे तीर्थंकर नहीं हैं, यदि सभी सच्चे तीर्थंकर होते तो उनमें एकता होती, उनके विचारों में समानता होती। कोई कह रहा है कि आत्मा है ही नहीं, कोई कह रहा है कि आत्मा एक ही है, कोई कह रहा है कि आत्मा परमाणु जितना यहाँ रहता है, कोई कहता है स्वर्ग नरक है ही नहीं, कोई कह रहा है कि है, कोई कह रहा है कि भगवान जगत के कर्ता धर्ता है, और कोई कह रहा है कि नहीं वे जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। तो ऐसी जब विरोधी बातें वे बोल रहे हैं तो वे सब तो सही नहीं हो सकते, उनमें से कोई सही एक सही हो सकता है? हर आदमी कैसे सही? उल्टी बात कहने वाले 10 और 10 कितने? तो बोले जगर जो उत्तर दे सब सही बोल दो, तो फिर 10 और 10 20 कहने वाला सही कहाँ रहा? इसलिए वो भी बात नहीं जमती है। और क्या किया जाए? तो आचार्य समंत भद्र परीक्षा करने के लिए तैयार हुए। जैन दर्शन एक परीक्षा प्रधानी दर्शन है, इसमें न्याय शास्त्र बहुत विशाल है और हर चीज को स्वयं परीक्षा करके समझने पर यह दर्शन जोर देता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, बहुत जगह लिखा है, कितने संदर्भ आपको गिनाए जाएं। जय धवला में लिखा है कि केवल आज्ञा मानने से सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं होता, स्वयं परीक्षा करे तो ही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, उसका संदर्भ लिख रखा है मैंने। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण लिखा है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। उस प्रकरण में बहुत अच्छे से ये बात लिखी, सबको मिथ्या दृष्टि कहा, जो सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक है, कुल अपेक्षा धर्म धारक है, फिर नंबर आया परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। तो उसमें लिखा कि बहुत से लोग जैसी जिन आज्ञा है वैसा मानते हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा मानते हैं, परंतु स्वयं परीक्षा नहीं करते, इसलिए वे भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। बताओ। और ये लिखा आगे चलकर, यदि आज्ञा मानने से ही सम्यक दृष्टि होते, आज्ञा मानने से ही धर्मात्मा होते, तो सभी मत वाले अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, सब सम्यक दृष्टि हो जाए। देखो तर्क, देखो तर्क से बात समझो। ये बहुत सुंदर न्याय प्रधान ग्रंथ है और न्याय बुद्धि अपने तर्क से युक्ति से विचार करना है। और खूब जोर दिया उन्होंने परीक्षा करने पर, और ये भी लिखा उसी प्रकरण में वहीं पर कि देखो जो लोग ऐसे जिन आज्ञा मानकर धर्म साधन करते हैं वे औरों से तो बढ़िया है, वे नरकादि नहीं जाएंगे, स्वर्गादि जाएंगे, लेकिन जन्म मरण का अभाव उनका नहीं होगा, रहेंगे संसार के संसार में ही।
जन्म मरण का अभाव करना हो, संसार का अभाव करना हो तो स्वयं परीक्षा करना बहुत जरूरी है। न्याय शास्त्र को पढ़ना हो, थोड़ा जब तक न्याय शास्त्र नहीं पढ़ो तब तक जैन दर्शन अच्छी तरह समझ में आता नहीं है। ये दुनिया से निराला दर्शन है। मैंने न्याय पर कई किताबें लिख दी, न्याय मंदिर आपने देखी है, अभी अभी एक और किताब लिखी है जैन न्याय प्रदीपिका, इसमें भी न्याय पर बहुत सामग्री है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं अनेकांत स्यादवाद की, उसमें उस पर इसमें 6 लेख हैं। स्यादवाद को समझे बिना आप्तमीमांसा जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा। न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब परीक्षा शुरू हुई, आचार्य समंत भद्र ने परीक्षा शुरू की तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप वीतराग हो और सर्वज्ञ हो और यथार्थवादी हो, इसलिए आप ही सच्चे आप्त हो और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो, और अभी इसमें जरा सी सूक्ष्म बात है, थोड़ा सा मन लगाना। आप सब स्वाध्यायी हो इसलिए ये सब बातें आपको गहराई से बता रहा हूँ। क्या कहा? आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, ये भी हमने कैसे जाना? ये गजब की बात सुनो। कोई आत्मा वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ये कैसे जान सकते हैं हम? ये तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी है। कोई वीतराग है के रागी द्वेषी है, कोई सर्वज्ञ है के अल्पज्ञ है, हम कैसे जाने? ये तो अमूर्तिक चीज है, अंदर आत्मा की अवस्था है शुद्ध, उसको हम कैसे जाने? इसीलिए समंत भद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ माने इस कलयुग में जब सर्वज्ञ नहीं है, तब जब सर्वज्ञ थे उनके सामने जनता को सर्वज्ञ समझाना सरल था, मगर अब जब सर्वज्ञ नहीं है तब समंत भद्राचार्य ने दुनिया को हथेली में रखकर सर्वज्ञ समझाया कि आओ हमसे बात करो, हम तुम्हें सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करते, तुम्हें सर्वज्ञता का अनुभव कराते हैं। आप्तमीमांसा की सबसे बड़ी बात यही है कि इसको पढ़ने के बाद आपको सर्वज्ञता की प्रतीति होती है, आपके जीवन में भी आंशिक वीतरागता प्रकट हुए बिना नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। और कैसे सिद्ध किया? वाणी से। किससे सिद्ध किया? वाणी से। आप वीतराग हो, आप सर्वज्ञ हो, कैसे आपने कैसे जाना? तो बोले हमने आपकी वाणी से जाना। अन्य लोग कपिल सुगत आदि वीतराग नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, आपने कैसे जाना? जरा सोचना कितना कठिन काम है। एक लाइन से कपिल बैठे, सुगत बैठे, समझ में? कपिल सुगत अन्य मतों के आप्त, अन्य अन्य नाना प्रकार के मत है ना, उनके आप्त बैठे हैं। सांख्य दर्शन वालों के आप्त का नाम है कपिल, नैयायिक वैशेषिकों के आप्त का नाम है महेश्वर, बौद्धों के आप्त का नाम है सुगत या बुद्ध। तो बोले ये सब बैठे और अरिहंत भी बैठे हैं। तो बोले कौन इनमें से
वीतराग है, कौन इनमें से सर्वज्ञ है, क्या काम कर रहे हो आप, समझ में आया? आपका काम समझ में आ रहा है? आप कोई मटकी नहीं परख रहे हो? मटकी भी खरीदनी होती है तो बजा के देखते हो, ऐसे ही नहीं खरीद लेते? सोना चांदी हीरा खरीदना हो तो ऐसे ही खरीद लेते हो कि परीक्षा करते हो? डॉक्टर को दिखाना हो तो ऐसे ही दिखा लेते हैं कि पहले, अरे एक कुर्ता सिलवाना हो ना तो दर्जी चार लोगों से पूछते हैं कि भैया वो कुर्ता, बोले बहुत बढ़िया पैंट शर्ट सिलता है। अरे पैंट शर्ट नहीं यार, हमें कुर्ता सिलवाना है। कुर्ता सिलता है कि नहीं ये बताओ। तो ऐसे ही यहाँ हमें आप्त को पहचानना है। और सब, और कितने बढ़िया ढंग से कहा, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिला दिशु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जैन दर्शन कोई संप्रदायवाद नहीं है, अंधविश्वास को यहाँ कहीं जगह नहीं है, ये पूरा साइंस है। सही बात सही है चाहे दुश्मन कहे, और गलत बात गलत है चाहे हमारा बाप कहे। इतने कलेजे से जैन दर्शन का स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए। इतने अच्छे मन से स्वाध्याय करे तो उसकी समझ में कुछ आ सकता है, तब इसकी महिमा आएगी उसको। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिला दिशु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे किसी से पक्ष नहीं है, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मैं तो सही बात किसकी है इसको पहचानने के लिए मैदान में आया हूं। तो परीक्षा की, कैसे जाना कि वो रागी द्वेषी है, वो अल्पज्ञ है, कैसे जाना? और ये अरिहंत ही वीतरागी है और सर्वज्ञ है, कैसे जाना? अब आप इस बात को पकड़ लो तो गजब की चाबी है ये। कैसे जाना कि उनकी वाणी से जाना। किससे जाना? उनकी वाणी से। वाणी से कैसे जान सकते हैं? जरा सोच, तर्क करो, खूब तर्क करो। वाणी से जाना, वाणी से कैसे जान सकते हैं? इनसे पूछो ना महाराज, आप क्या कह, यही परीक्षा प्रधानी हो आप। आप वाणी से कैसे जाने? तो उन्होंने कहा कि जो झूठ बोलता है उसके दो ही कारण होते हैं, दुनिया में तीसरा कारण नहीं होता। झूठ दो ही कारणों से बोला जाता है, या तो राग द्वेष या अज्ञान। जो झूठ बोल रहे हैं, जो वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है वैसा बता रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि वे अज्ञानी हैं, वे रागी द्वेषी हैं। और जो जैसा वस्तु स्वरूप बता रहा है, देखना गजब की बात, कि हे भगवान आपकी वाणी ये सिद्ध कर रही है, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। आपके वाक, आपके वचन युक्ति शास्त्र के अविरोधी हैं, इसलिए आप ही सत्यार्थ वक्ता हो, आप ही प्रामाणिक वक्ता हो। और आप सत्यार्थ वक्ता हो, इससे सिद्ध हो गया कि आप ही वीतराग हो और आप ही सर्वज्ञ हो।
अभी और अगला स्टेप बढ़ते हैं जरा, अभी इसमें कई स्टेप है, अभी और आगे स्टेप। सत्यार्थवादी यथार्थवादी आप क्यों हो, आपकी बात सत्य क्यों और उनकी बात सत्य क्यों नहीं। अब वाणी पर आ जाते हैं, वे वीतरागी क्यों नहीं, यही वीतरागी क्यों, वे सर्वज्ञ क्यों नहीं, यही सर्वज्ञ क्यों। तो उन्होंने तर्क दिया, फैसला दिया, क्योंकि वे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सत्य बोल रहे हैं। अब अगला प्रश्न पैदा हुआ, आपने कैसे जाना कि वे झूठ बोल रहे हैं और ये सत्य बोल रहे हैं, ये आपने कैसे जाना। तो अब अगला उत्तर सुनो गजब का, कि वे एकांतवादी हैं और ये अनेकांतवादी है। जो अनेकांतवादी होता है, जो स्यादवादी होता है, वो ही सत्यवादी होता है। जो एकांतवादी होता है वो सत्यवादी नहीं होता है। देखो कहाँ आके बात पहुँच रही है, थोड़ी सी गहरी बात है पर गजब की बात है। स्वाध्याय कर रहे हैं आप्तमीमांसा का गहरा, तो आपको गहरा उपयोग थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या कहा कि आप सत्यवादी हो, कैसे आप कैसे समझे कि ये सत्यवादी है। तो उन्होंने कहा स्यादवादी ही सत्यवादी होता है और एकांतवादी सत्यवादी नहीं होता। अब अगला स्टेप, आपने कैसे जाना कि स्यादवादी ही सत्यवादी है। बोले वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, वस्तु का स्वरूप एकांतात्मक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जो वस्तु को अनेकांतात्मक बोलता है वो ही सत्यवादी है, जो एकांतात्मक बोलता है वो सत्यवादी नहीं है। बहुत बारीक बारीक बातें हैं, परम सवरस बातें हैं। ये तो अमृत है जिन शासन का, स्यादवाद समझना बहुत जरूरी है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उसमें परस्पर विरोधी धर्म रहते ही है। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है, सत भी है, असत भी है, सब है। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं और जो एक ही को मानता है वो एकांतवादी है, और जो दोनों को मानता है वो अनेकांतवादी है, वो सत्यवादी है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। इसको एक बार समझ लो तो आपको दर्शन शास्त्र तो समझ में आ ही जाएगा, न्याय शास्त्र तो समझ में आ ही जाएगा, पर ये दुनिया में भी बहुत सुंदर वातावरण बन जाएगा। सब लोग बहुत अच्छे से हर बात को समझ सकेंगे। आपस में जो ये लड़ाई झगड़ा है ना, सब स्यादवाद को समझे बिना ही हो रहा है। स्यादवादी भी परस्पर लड़ रहे हैं क्यों कि स्यादवाद को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। स्यादवाद पर आप सबको थोड़ी मोटी मोटी बातें तो पता है ना,
मैं थोड़ा गहराई में जा रहा हूँ, लेकिन आपको मोटी मोटी ऊपर की बातें तो पता है ना। जैसे अभी मैंने मंगलाचरण किया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, तो उसमें क्या लिखा, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप सबने मंदिरों में देखा होगा चित्र बना हुआ। छह अंधे थे और गांव में हाथी आया, सारी दुनिया हाथी देखने गई। पहली बार आया था तो हो रही थी, वो अंधे भी कहने लगे हमें भी हाथी देखना है। वे भी हाथी देखने पहुंचे, देखते कैसे मगर, सो उन्होंने महावत से कहा भैया हमें भी हाथी दिखा दो, जरा संभाल के रखना, हम छूके देख ले, आंखों से दिखता नहीं हमें। बोले हाँ देखो, तो सब चिपक गए हाथी के, देखा हाथ वात लगा लगा करके, और देख करके लौटे अपने घर की तरफ, तो बात करने लगे, वाह क्या हाथी था, गजब है, बहुत कैसा हाथी था ना, बिल्कुल एकदम पिलर जैसा। तो दूसरा कहने लगा झूठ बोलता है, मैं भी देख के आया हूँ, वो पिलर जैसा नहीं था, वो तो रस्सी जैसा था। तीसरा बोला अबे तू भी झूठ बोलता है, मैं भी देख के आया हूँ, हाथी तो दीवार जैसा था। चौथा बोला तुम तीनों के तीनों झूठे, मैं भी देख के आया हूँ, हाथी तो सूप जैसा होता है। पांचवा बोला अरे तुम चारों झूठ बोलते हो, मैं खुद देख के आया हूँ, हाथी तो भाले जैसा होता है, भाले जैसा। छठा बोला तुम पांचों झूठे, मैं भी देख के आया हूँ, हाथी तो ऐसा होता है जैसा केले का तना, केले का पेड़, गदली स्तंभ वैसा होता है। छो जिगरी दोस्त थे बचपन के, बड़े प्रेम से रहने वाले, लेकिन आज लड़ाई हो, तू झूठा तू झूठा तू झूठा, लिया दी होने वाली थी बस। इतने में ही कोई एक वृद्ध चक्षुष्मान आ गए, उन्होंने कहा क्या कहा सुनी हो रही है, क्या लड़ रहे हो। बोले साहब ऐसे ऐसे हाथी देख के आए हम, और मैंने देखा, सब कह रहे मैंने देखा वो खंभे जैसा होता है, मैंने देखा है रस्सी जैसा है, मैंने देखा है दीवार जैसा। जब लड़ने लगे तो उन्होंने बिठा करके उनको समझाया कि तुम सब सही हो, लेकिन तुम सब आंशिक सत्य बोल रहे हो, पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे। यदि पूर्ण सत्य जानना है तो तुम्हें सबको जोड़ना पड़ेगा, तब हाथी बनेगा। हाथ अब तुम ऐसे बोलो कि हाथी पैरों की अपेक्षा खंभे जैसा है, हाथी पूंछ की अपेक्षा रस्सी जैसा है, हाथी पेट की अपेक्षा दीवार जैसा है, हाथी कानों की अपेक्षा सूप जैसा है, हाथी दांतों की अपेक्षा भाले जैसा है, और हाथी सूंड की अपेक्षा केले के खंभ जैसा है। मैंने सुना दिया, बहुत से लोग सोचेंगे हमें तो पता था, लेकिन मैं यहाँ बुलवाता ना तब पता चलता, पता था कि नहीं पता था। आप हमारी मेहनत ऐसे ही मत समझो भैया, हम कलाकार हैं, हमारी कला का कद्र करो। मैंने कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है, छह हाथियों का उदाहरण पता है, छह अंधों का पता है, जरा सुनाना।
नहीं सुना पाते वो भी, कैसे है क्या है, देखा है सुना है कितनी बार, और छे क्यों है, सट दर्शनों का खंडन करने के लिए, सट दर्शनों का समन्वित रूप है जैन दर्शन। सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मा सर्वथा नित्य है, सांख्य कहता है नित्य है, बौद्ध कहता है कि अनित्य है। सांख्य कहता है कि जो करता है वही भोगता है, और बौद्ध कहता है कि कर्ता अन्य है और भोगता अन्य है। और जैन दर्शन कहता है कि द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। द्रव्य अपेक्षा देखो तो जो करता है वही भोगता है, और पर्याय अपेक्षा देखो तो कर्ता अन्य है, कर्ता मनुष्य है और भोगता देव है। कर्ता अन्य भोगता अन्य, ऐसे अनेकांत स्यादवाद दुनिया का एक सबसे सुंदर सिद्धांत है। मैं एक वाक्य कहता रहता हूं कि दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, तीसरा कोई वाद होता ही नहीं। यदि आप अनेकांतवादी नहीं हो तो आप गारंटी से आतंकवादी हो, हैं? गारंटी से, क्यों कि आप एक पक्ष को स्वीकार कर रहे हो, मैं जो मानता हूं वही सही है, तो आप आतंकवादी हुए ना। मेरा बस चले तो कुछ भी कर दूं, बस नहीं चल रहा वो अलग बात है। इसलिए ये स्यादवाद बहुत सुंदर सिद्धांत है। वस्तु में प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसमें दोनों चीजें रहती है तभी वस्तु क्रिया करती है। वस्तु क्रिया भी तभी करती है, नहीं तो क्रिया नहीं करती। देखो ये रूमाल मुझे धोना है, अब ये बताओ यदि ये सर्वथा गंदा हो जाए तो क्या धोना, और सर्वथा साफ हो तो क्या धोना। इसको धोने के लिए इसे कथनचित गंदा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, दूसरा उदाहरण दो। देखो रामलीला में बने हुए राम सीता, वो राम सीता है कि नहीं, मुझे आपसे ये पूछना। रामलीला में जो राम है वो राम है कि नहीं, यदि वो सर्वथा राम है तो ये रामलीला नहीं है, फिर इसको आप रामलीला नहीं कह सकते, ये नाटक नहीं है। और यदि ये सर्वथा राम नहीं है तो भी ये नाटक नहीं है। इसको नाटक को नाटक होने के लिए राम कथनचित होना भी चाहिए और कथनचित नहीं भी होना चाहिए। समझ में बात समझ में। और सुनो, मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, मैंने मोर का एक चित्र बनाया और आपने मुझे अवार्ड दिया, तो बहुत सुंदर चित्रकला। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये पेंटिंग में जो मोर है वो मोर है कि नहीं, यदि ये मोर सर्वथा नहीं है तो मुझे अवार्ड किस बात का, कई की चित्रकला हुई है।
और यदि ये सर्वथा मोर है, सचमुची मोर है, तो काहे की चित्रकला, इसे आर्ट काहे की है। इसे आर्ट होने के लिए मोर होना भी जरूरी है और मोर नहीं भी होना जरूरी। अरे क्या कमाल की बात, वस्तु के स्वरूप में हर जगह दुनिया का कोई शास्त्र, मैंने एक लेख लिखा है इस किताब में कि हर विषय में स्यादवाद है सभी शास्त्रों में। एक ज्योतिष के हिसाब से देखो तो एक ही तिथि एक काम के लिए शुभ है और एक काम के लिए अशुभ है। अमावस्या सर्वथा अशुभ हो तो दान करने के लिए तो बहुत बढ़िया मानी गई है। ये क्या बात है, कोई काम एक ही तिथि एक कार्य के लिए शुभ मानी गई और दूसरे कार्य के लिए अशुभ। गणित में एक ही रेखा छोटी भी है बड़ी भी है, भूगोल में एक ही जगह पूर्व में भी है पश्चिम में भी है। मैं आपसे पूछता हूँ सम्वेत शिखर कहाँ है, पूर्व में कि पश्चिम में? सब चुप हो गए, कोई नहीं बोल रहे कि आप बताओ आप कहाँ खड़े हो। जो पूर्व में खड़ा है उसकी अपेक्षा पश्चिम में है और जो पश्चिम में खड़ा है उसकी अपेक्षा पूर्व में है। उत्तर वाला बोलेगा दक्षिण में है, दक्षिण वाला बोलेगा उत्तर में है। एक ही विषय, अगर राजनीति में देखो तो जो विरोधी दल है वो सहयोगी है कि विरोधी है? दो दोस्त खेल रहे हैं, दो दोस्त खेल रहे हैं, वो दोनों मित्र है कि शत्रु है? अगर सर्वथा मित्र है तो एक दूसरे को हराने की कोशिश क्यों हो रही है? और यदि सर्वथा शत्रु है तो साथ साथ कैसे खेल रहे? पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट को संसद। आपको पता है पार्लियामेंट को संसद क्यों कहते हैं, कहां से नाम आया ये? दुनिया में पार्लियामेंट को संसद नाम किसने दिया? आचार्य समंत भद्र ने। जैन शब्द है संसद, स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है जब पार्लियामेंट बनी तो 55 जैन विधायक थे पहली पार्लियामेंट में, और उनने बोले इस जगह का क्या नाम रखा जाए। अंग्रेजी में चलता था पार्लियामेंट, हिंदी में क्या नाम रखे? तो आचार्य समंत भद्र ने समोसरण को संसद कहा है। सम्यक प्रकारेण सीदन्ति जना यत्र, वो संसद। तो संसद नाम क्यों दिया पार्लियामेंट का? कि जैसे समोसरण में गाय और शेर, चूहा और बिल्ली, सांप और नेवला एक साथ बैठते हैं प्रेम से, ऐसे ही जहां विरोधी दल और शासक दल प्रेम से बैठे और देश का विकास करे उसका नाम है संसद। संसद नाम कहां से आया? हर चीज में विरोधी धर्म है। ये महिलाएं बहुत परेशान है, ये कैसे काम करती है यही जानती है। चाय बना के दे, एक कहता है फीकी है, एक कहता है मीठी है, क्या करे? सब्जी बना के दे, एक तो कहता रहता है तुम मिर्ची नहीं डालती हो, एक कहता है इतनी झोंक रखी है, अब क्या करे? वो क्या करे, कल से कैसी बनाए?
एक ही चीज मीठी भी है फीकी भी है। आप ये बताओ मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी, मैं धनवान हूं कि निर्धन, मैं गोरा हूं कि काला, लंबा हूं कि ठिगना, क्या बोलोगे? कुछ बता सकते हो? अरे इस स्यादवाद कोई पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1900 में एक सिद्धांत विकसित किया, उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। हर चीज सापेक्ष है, कोई भी निरपेक्ष नहीं है, कोई भी कथन। और इसीलिए स्यादवाद की जरूरत है। स्यादवाद कहता है, देखो अब गजब की बातें आ रही है, सुनना। स्यादवाद कहता है कि आप जब भी कुछ बोलो तो हर वाक्य में स्यात लगाओ। स्यादवाद शब्द का मतलब क्या? स्यात पदेन वदनम स्यादवाद, कि जब भी आप कोई बात बोलो तो आप उसमें स्यात लगाया करो। स्यात का मतलब है एक दृष्टि से, कथनचित। कोई भी बात एक दृष्टि से सही होती है, सर्वथा सही। कोई भी बात बोलो आप। और एक जगह तो ऐसा लिखा है, वो और भी ऊंची बात लिखी है, ऐसा लिखा है कि आप कोई संसार का कोई भी वाक्य लेकर आओ। देखो यहाँ क्या लिखा है, गजब की बात। ये लिखा है संसार का कोई भी वाक्य लेकर आओ आप, मैं उसमें स्यात लगाऊंगा और सही सिद्ध करूंगा। और कोई भी वाक्य लेकर आओ, मैं उसमें सर्वथा लगाऊंगा और गलत सिद्ध करूंगा। सर्वथा लगा हुआ हर वाक्य मिथ्या है, विष है, घातक है। और स्यात लगा हुआ हर वाक्य सम्यक है, अमृत है, जिनवाणी है। जिनवाणी स्यादवाद मई ऐसे ही नहीं है, हर वाक्य में। कोई कहे अग्नि ठंडी होती है तो ये बात सही है? मान लोगे आप लोग? नहीं मानोगे? मैं तो मान लूंगा, क्योंकि मैंने समंत भद्राचार्य को पढ़ा है। और आप भी मानते हो, पर अभी नहीं मान रहे, अभी एक मिनट बाद मान लोगे है? अरे अग्नि तीन तरह की होती है, शब्दात्मक अग्नि, चित्रात्मक अग्नि, अर्थात्मक अग्नि। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब तीन तरह के होते हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाए। मुझे ये बताओ, अग्नि यदि सर्वथा गर्म होती हो तो जब माँ त्रिशला ने अग्नि देखी थी सपने में, तो वो जल गई थी कि नहीं? उनके सपने में जो अग्नि आई थी वो गर्म थी कि ठंडी? आपके चूल्हे की अग्नि गर्म है, मगर सपने की अग्नि, प्रोजेक्टर पर, टीवी पर जो अग्नि आती है, कपड़े के पर्दे पर अग्नि, वो कैसी है? गर्म है? पर्दा जलता नहीं। एक जठराग्नि होती है, पेट में भी भूख लगे तो क्या बोलते हैं? जठर। तो इस पे भगोनी रख दो तो दूध गर्म हो जाएगा? नहीं। हाँ, अग्नि है ना, अग्नि का चित्र बना हो तो। अरे अग्नि हजार तरह की
होती है भाई साहब, उसमें से सिर्फ अर्थात्मक अग्नि ही गर्म होती है और बाकी सारी अग्नि ठंडी होती है। अब क्या दिक्कत है बताओ मुझे, गधे के सींग होते नहीं होते? सियादवादियों के यहाँ हो जाते। अरे क्या दिक्कत है, मेरी पेंटिंग में तो हो सकते हैं ना, मैं एक गधा का की एक पेंटिंग बनाऊं? कोई बच्चा ऐसा गधा बना सकता है? और उसके वो बच्चा तो सींग लगा सकता है कि नहीं, क्या बात। अरे इतनी स्यादवाद सिद्धांत अहिंसा को पराकाष्ठा तक पहुंचाता है, दूसरे के दृष्टिकोण की भी हत्या मत करो, उसके दृष्टिकोण को भी स्वीकार करो। अहिंसा और अनेकांतवाद ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। स्यादवाद कहता है अगर कहीं से भी आपने कोई बात सुनी है तो पहले नंबर पर उत्तेजित होना बंद करो। स्यादवाद की पहली शिक्षा। दुनिया में क्या हो रहा है आजकल कि कहीं कोई एक बात कहता है और सारे देश में आग लग जाती है, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने वो कह दिया। अरे मतलब किसने किस अपेक्षा कहा वो कोई सुन के राजी नहीं है। अरे पहली बात है किसी ने कुछ कहा है तो आप उसकी अपेक्षा समझो। अपेक्षाएं अनंत होती है, अपेक्षाएं अनंत होती है और अनंत अपेक्षाओं से अनंत बातें होती है। इसलिए आप घबराओ नहीं। कौआ काला होता है पक्का सर्वथा नहीं? अकलंकाचार्य ने राजवार्तिक में लिखा है कि कौए को काला मानना एकांतवाद है, क्योंकि कौआ सर्वथा काला नहीं होता, कौआ तो पंचवर्णी होता है। कौआ रक्त की अपेक्षा लाल है, हड्डी की अपेक्षा सफेद है, नस की अपेक्षा नीला है, पित्त की अपेक्षा पीला है और पंख की अपेक्षा काला है। कौआ पंचवर्णी है कि नहीं? उसे सर्वथा काला समझना एकांतवाद है। अब बताओ, लड़ना आता है बस। स्यादवाद समझाता है, जिसने स्यादवाद समझ लिया वो एकदम ठंडा शांत परम शांत हो जाएगा, उसे कभी कहीं झगड़ा करने का मन ही नहीं करे। अरे अगले ने बोला है उस अपेक्षा समझेंगे ना। और अभी इनमें बहुत बारीक बारीक न्याय है, जरा मैं डरता हूँ कठिन ना पड़ जाए। कौआ काला होता है, यदि कौआ सर्वथा काला हो तो जो जो काला है वो सब कौआ हो जाए। काला विशेषण है, कौआ विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य एक हो जाए, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, पक्की बात। स्यात वहां भी सर्वथा नहीं लगाना। यदि सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हो तो भूत निगम में से भी सुखी सिद्ध होंगे। समझ में आई बात? समझ, तर्क समझ में आया? तर्क, अरे दिमाग पैना करना पड़ेगा।
अगर आपको मैं आपको आप्तमीमांसा पढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूँ, पर आप्तमीमांसा पढ़ना हो तो नींद उड़ानी पड़ेगी और बुद्धि को पैनी करना पड़ेगा धारदार। एक आदमी को मैंने पूछा सभा में, मेरी आवाज आ रही है पीछे? तो उसने कहा नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं आ रही तो तूने बोला कैसे? समझ में आया? उसने उत्तर दिया, वो क्या सिद्ध कर रहा है? अच्छा, हमने पूछा विवेक भाई समझ में आ रहा है? तो बोले नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आया? सर्वथा नहीं समझ में आ रहा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी ने कहा सामने देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा क्या? देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। अरे अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है। अंधे खुद ही बोल रहा है अंधेरा है और कुछ नहीं दिख रहा। अरे अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है, फिर कुछ नहीं दिख रहा कैसे कहता है? न्याय शास्त्र बहुत पैना काम है। सिद्ध भगवान सुखी है। यदि सर्वथा सुखी हो तो उनमें बाकी के और गुण नहीं होने चाहिए। सिद्ध है वो धर्मी है, सुखी धर्म है, एक गुण है। एक व्यक्ति ने मेरे से अभी पूछा कल ही, बोले साहब घाती कर्मों के छह से केवल ज्ञान होता है। एक वाक्य है इसमें स्यादवाद लगाओ। वो जैसे सतावधान का प्रदर्शन करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, मैं सतावधानी हूँ, ऐसे मैंने चैलेंज लिया है। अभी एक दिन मैंने कहा मैं पूरी सभा में चैलेंज फेंक रहा हूँ, कोई वाक्य लाओ संसार का। मैंने कहा जितने भी करोड़पति में सवाल है, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम में सवाल हैं, सारे सवाल मेरे पास ले आओ, मैं सबको कथनचित सही और कथनचित गलत सिद्ध करूंगा। मैं करूंगा, जो वाक्य लाना है लाओ, मैं वंद्या का बेटा सिद्ध करूंगा। क्या घबरा है? घबराते क्यों हो? स्यादवाद एक दफे पढ़ के देखोगे तो जिन शासन की पताका लहराएगी। आज जिन शासन को समझने वाले खुद कम रह गए, दूसरों को क्या समझाएंगे? किस पे घटा रहा था मैं? एक व्यक्ति ने अभी पूछा कल कि घाती कर्मों के छह से केवल ज्ञान होता है, इसमें कैसे स्यादवाद लगेगा? तो सही बात है, बिल्कुल एकदम सर्वथा सही बात है। मैंने कहा नहीं, यहां भी स्यात लगेगा, सर्वथा तो मैं कहीं नहीं लगने दूंगा। जिनवाणी में कहा है, माइल धवल आचार्य ने नए चक्र में लिखा है कि सर्वथा लगाने का मतलब है विष खाना। ऐसे लिखा विष। आचार्य समंत भद्र ने लिखा है भवत्य भद्रोपि समंत भद्र के, हे भगवान मैं अभद्र था लेकिन जब से मुझे ये स्यादवाद मिला है मैं समंत भद्र बन गया हूं। समझ में आया? मीनिंग समझ, बात समझ में आई आपके? ऐसे ही लच्छेदार भाषण मत समझना। हे भगवान मैं अभद्र था पर जब से मुझे स्यादवाद मिला है मैं
समंत भद्र बन गया हूं। मतलब समझ में आया, जिसके पास स्यादवाद नहीं है वो अभद्र है, और जिसके पास स्यादवाद है वो समंत भद्र है, सब ओर से भद्र है। विमलनाथ भगवान की स्तुति में लिखा स्वयंभू स्तोत्र में कि हे भगवान मेरी वाणी, देखो सुनना क्या लिखा, विमलनाथ भगवान की स्तुति पढ़ना स्वयंभू स्तोत्र में पहला ही छंद, हे भगवान मेरी वाणी जंग खाए हुए लोहे के समान निर्मूल्य थी, मेरी वाणी जंग खाए हुए लोहे के समान निर्मूल्य थी, लेकिन जब से इस पर स्यादवाद की बूटी घिसी है ये पारस पत्थर बन गई है। जचती है कुछ बात? पारस पत्थर बन गई। कभी भी किसी वाक्य में सर्वथा नहीं लगाना, जैन वचनों में और अन्य वचनों में एक ही अंतर है। एक लाइन लिखी है समंत भद्राचार्य ने, सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते, सत्य और असत्य में बाल बराबर का अंतर है पर वही बड़ा है। सत्य और असत्य में इतना सा अंतर है कि जहां पर सर्वथा लगा हो वो वचन असत्य है, और जहां स्यात लगा हो वो वचन सत्य। कोई कहे आग ठंडी, बोले स्यात लगाए ठीक है, बोले बर्फ गर्म होते स्यात लगाए ठीक है, स्यात लगाए तो सब सही है। ये कैसी बात है? तो क्या पूछा कि घाती कर्मों के छह होने पर केवल ज्ञान होता है, इसमें कैसे स्यादवाद लगाएंगे, ये तो बिल्कुल एकदम खरी बात है। मैंने कहा मैं तो इसमें भी लगाऊंगा। बोले कैसे? यदि घाती कर्म के छह होने से सर्वथा केवल ज्ञान होता हो तो फिर केवल दर्शन नहीं होगा, केवल सुख नहीं होगा, केवल वीर्य नहीं होगा। घाती कर्म तो चार है, और घाती कर्मों के छह से केवल केवल ज्ञान नहीं होता है। घाती कर्मों के छह से केवल 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 ज्ञान थोड़ी होता है, घाती कर्मों के छह से तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। तुम गलत बोलते हो। बताओ, किसी ने कहा अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है, लगाओ स्यादवाद। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं समंत भद्र का शिष्य हूं। अभव्य का आप मान सकते हो मेरी बात? अभव्य को सम्यक दर्शन मानोगे? अब तो मान जाओ, स्यात लगाना सिखा रहा हूं। अरे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति नाम निक्षेप से अभव्य हो, किसी का नाम अभव्य हो, थे ना एक अभव्य सेन नाम के मुनि महाराज हुए पद्मपुरा, थे ना। मान लो किसी का ना, कोई नाम से अभव्य हो तो उसे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, तो बस हो गया अभव्य को भी सम्यक दर्शन। क्या है? अरे स्यादवाद आपको गंभीरता सिखाता है, स्यादवाद आपको धैर्य रखना सिखाता है, स्यादवाद धैर्य का विकास करता है, स्यादवाद गंभीरता सिखाता है। स्यादवाद कहता है उत्तेजित होना, चुप बैठो पहले, कोई उत्तेज पहले पहले चुप बैठो,
बाद में बात करेंगे, अपेक्षा समझना सीखो, काम बहुत आसान हो जाता है। वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं, और वक्ता कब किस अभिप्राय से किसको मुख्य कर सकता है, वो जो स्यादवादी होता है वही यथार्थवादी होता है, और वही वितराग और सर्वज्ञ होता है। ये इस आप्त मीमांसा का गहरा मर्म है। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे बैठना होगा तो करेंगे।